सुबह में तकरीबन 4:20 पे हम लोग जगह है, वो टाइम में स्मोक ज़्यादा हो गया, सांस लेने की दिक्कत हो गई, वो टाइम में हम लोग खड़ा हुआ। उसके बाद में हम लोग के पास रास्ता था जाने के लिए स्टेयर केस का, हम लोग दौड़ के आए स्टेयर केस में आए, वो टाइम में आने के बाद में स्टेयर केस में स्मोक ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग वापस दौड़ के रूम में आए। रूम में आने के बाद में भी स्मोक ज़्यादा था, लाइट पूरा चला गया था, एसी बंद था, एसी से भी थोड़ा स्मोक आ रहा था। इसके लिए हम लोग बाथरूम देखा किधर स्मोक कम है, तो बाथरूम में क्या है डाउन साइड में स्मोक ज़्यादा आ रहा था, तो हम लोग बाथरूम को वापस क्लोज कर दिया, वापस अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में हम लोग बस वेट किया कि कैसे जैसे करके हम लोग फायर ब्रिगेड वाला कोई रेस्क्यू कर ले, इसके लिए हम लोग वेट किया। उसके बाद में तकरीबन 5:30 हो गया था, दम घुटने लगा था अंदर। उसके बाद में हम लोग के पास दो ही रास्ता था, या तो विंडो से जंप कर जाएं या फिर स्टेयर केस का रास्ते से वापस जाएं। तो फिर हम दोनों एक बार फिर हिम्मत जुटा के स्टेयर केस के पास आया कि नीचे जाएगा, लेकिन वो टाइम में हमारा शू तो था नहीं, चप्पल पहन के रखा था। वो टाइम में आने के टाइम में देखा तो स्टेयर केस से ज़्यादा हिट आ रहा था, इसके लिए फिर उसका हाथ पकड़ के हम लोग रूम में आ गया, फिर प्रे किया कि बस कोई आके हमको रेस्क्यू कर ले। एक बार सोचा था जंप कर जाएं, लेकिन हमारे सामने 4th फ्लोर और 5th फ्लोर से 4-5 आदमी जंप कर दिया था, तो उसका डेड बॉडी कोई आदमी ब्लड नीचे ऐसा गिर रहा था, तो हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग उधर से जंप कर जाएं। उसके बाद में सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो गया था, तो हम लोग आगे आके हम लोग बालकनी में आए। बालकनी में आने के बाद में उसको बालकनी को ओपन किया, तो वो टाइम में बाहर से क्या है फायर ब्रिगेड वाले ये थोड़ा आग बुझा दिया था, तो इसके लिए आग की लपटें और स्मोक कम हो गया था, इसके लिए हम लोग उधर आके थोड़ा ऑक्सीजन लिया, थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। तो हमको फायर ब्रिगेड वाला देखा, उसके बाद में वो लोग आके हमको रेस्क्यू किया। कंपनी की अच्छी फैसिलिटी है, उसके बाद में हम लोग को लाके गाड़ी इधर लगा था, एम्बुलेंस लगा था, जिसको दिक्कत था वो हॉस्पिटल जाए, जिसको दिक्कत नहीं है वो अपना कंपनी का गाड़ी लगा दिया था। और उसमें इधर दूसरा जो कैंप है, इधर 4 कैंप है आप तो देख रहे हैं, इसमें आके फूड प्रोवाइडेशन सबको दिया है, जिसके पास रूम नहीं था उसको रूम दिया है। फिर इधर शाम को जब वापस आए ना इधर, तो कंपनी ने सबको सामान दिया है, कपड़ा लत्ता दिया है, जो भी जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें चाहिए वो सब दिया है। फिर इधर आके हम लोग इधर सेटल है। कंपनी की फैसिलिटी अच्छी है, रहना खाना सैलरी टाइम पे हर चीज़ अच्छा है, एकोमोडेशन भी अच्छा है इसका। इससे हम लोग कैंप नंबर 4 में 4th फ्लोर पे था, जैसे स्मोक चालू हुआ हम लोग एक रूम में सेफ रुका, फिर फायर फाइटिंग वाले आए, हम लोग एक एक करके बाहर निकाला, फिर हम लोग इधर आया। इधर आने के बाद कंपनी ने सबको कपड़ा पैसा सब चीज़ मतलब खाने से लेके अरेंजमेंट किया।